नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के इंटरव्यू सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं डॉक्टर गीता गुइन जी से, जो कि मेडिकल कॉलेज की डीन है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें तो पहले आप अपनी जर्नी बताइए यहाँ तक। देखिए, बड़े ही यूँ कहे कि साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं तीन बहनों की सबसे बड़ी बहन और एक बेटी के लिए माता पिता का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता फ्यूचर में, हम सब शायद आप हम सभी इसका जीता जाता प्रमाण है। क्योंकि मेरे पिताजी ने कभी हमें यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरे बेटा नहीं है। और मुझको अगर याद करूं तो एक दिन वो याद नहीं आता जब मैंने बहुत लड़कियों के साथ खेल खेला होगा या लड़कियों वाला खेल खेला होगा, परंतु मैंने पापा को कभी ऐसे नहीं ऑब्जेक्शन लेते देखा कि आप ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो या ये नहीं करना है। मैं जिसको कहते हैं ना बहुत ही चुरकुट ऐसे बच्चों में से थी, चुलबुली से थोड़ा सा ज्यादा ही थी। मतलब पेड़ से गिर के टांग टूट गया, पर इस तरह के थे। पर पापा ने हमेशा बड़ा सपोर्ट किया। और मुझे याद है कि कई बार मम्मी बोला भी करती थी कि खाना बना लो, खाना बनाना सीख लो, तो पापा हमेशा बोलते थे ये सब काम तो सीख ही जाते हैं। मैं व्हीकल फैक्ट्री में बड़ी हुई और व्हीकल फैक्ट्री में शायद एक बहुत लंबे गैप के बाद मेडिकल में सिलेक्शन मेरा हुआ था। मेरे पहले एक बहुत पहले दीदी हुआ करती थी, तो मैं फैक्ट्री में सभी लोगों की बड़ी लाडली थी। मतलब किसी के भी घर घुस जाओ, उस समय फैक्ट्री में बड़ा एक कोजी एनवायरनमेंट होता था। किसी के भी घर घुस जाओ तो मतलब सबको लगता हमारी बेटी आ गई बिल्कुल पढ़ाई में बड़ी अच्छी वाली। हाँ, और बहुत लोग अप्रिशिएट करते थे जी। फर्स्ट MBBS के बाद मेरी शादी हो गई बहुत जल्दी शादी हो गई, पर वो भी मैंने यूँ कहो कि अपने जिद से करी, क्योंकि मुझे जिससे करना था मेरे को उसी से करना था, किसी और से करना था। सब लोगों ने कहा अब इसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो मैंने उसको भी एक एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया। और सेकंड MBBS में मेरा सेकंड रैंक आया और फर्स्ट MBBS में डॉक्टर साहब ने कहा कि तुमको टॉप करना पड़ेगा। लोग बोले ना कि पढ़ने से इसका दिल छूट गया जी। तो फाइनल MBBS में मैंने टॉप किया। मैं रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी की, आप ये कह सकते हो कि एकमात्र मैरिड टॉपर एंड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। फिर उसके बाद मैंने गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स में MS किया। ऑफ कोर्स इंटर्नशिप में के आखिरी आखिरी तक मेरी बड़ी बेटी पैदा हो गई थी, तो वो बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइम था। इसके बाद पास आउट के बाद मैंने MPB ज्वाइन किया, लेकिन वो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया वहाँ पे काम। तो मैंने गिवन द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मैं मेडिकल में शिफ्ट हो गई। और वहाँ पे बच्चों के साथ मिल के उनको पढ़ा के मेरी मतलब एज इफ मैं जैसे अंदर से एक बहुत ही यूथफुल और यंग और खुशी सी एक हैप्पी गो लकी इंसान थी, तो उसको जैसे उसका कंपैटिबल एनवायरनमेंट मिल गया। और मुझे मतलब बच्चों को पढ़ाने में और गरीब मरीजों को ट्रीट करने में एक्चुअली जो मज़ा आता है जी, वो मज़ा मुझे मैं प्रैक्टिस में भी देखती हूँ। पेशेंट्स जो मुझे फीस देते हैं उनको ट्रीट करने में नहीं आता है जी। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्यों ऐसा, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से एक ही बात कहती हूँ कि जब हम किसी पेशेंट से फीस लेते हैं, चाहे सर्जिकल फीस लें या कंसल्टेशन फीस लें, हमारा और उसका हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन जब हम किसी गरीब मरीज का इलाज करते हैं मेडिकल कॉलेज में, सैलरी तो देखिए आप अगर बहुत काम करते हैं तो सैलरी प्राइवेट प्रैक्टिशनर उससे शायद बहुत गुना अधिक कमा लेता, पर मैं सोचती हूँ कि भगवान के ऊपर ना उधारी चढ़ और वो उधारी भगवान जरूर कभी ना कभी मौके पे उतारते हैं। अब मेरे जिंदगी में तो हमेशा उतारा है। नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है और जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है हमको, वो सबसे बड़ी चीज है। बहुत ही बाकी पैसा तो हर कोई कमा लेता है। तो अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि गीता जी डॉक्टर ही क्यों, मतलब आप क्या अपना आपका सपना था डॉक्टर बनना या फिर कोई दिल में खलिश रह गई कि नहीं काश मैं ये बनती। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी और मैथमेटिक्स मेरी बहुत अच्छी थी। मैं इंजीनियर शायद बनना चाहती थी, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, पर मैथ्स मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
परंतु पापा लोगों को उस जमाने में लगा रहे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना चाहिए, खासतौर से बेटियां बेटियां हैं तो डॉक्टर ही, हाँ पढ़ने में लिखने में अच्छी है तो डॉक्टर बनेगी। बड़े बेमने से जाके पीएमटी दिया और फर्स्ट ही अटेम्प्ट में हो गया, तो वो तो खैर बहुत नहीं, पर हाँ गिवन अ चॉइस शायद मैं प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में अब नहीं जाना चाहूँगी। मतलब मैं अगर MBBS के बाद फिर से मुझे चॉइस दिया जाए जी। तो मैं उस समय मैंने बोला था मुझे ऑर्थोपेडिक्स लेना, किसी ने नहीं सपोर्ट किया था और मुझे पैथोलॉजी भी लेने का बड़ा एक शौक था, वो भी किसी ने नहीं सपोर्ट किया, सबको ऐसा लगा रहे टॉपर है तो इसको गायनियोक्स लेना चाहिए जी। पर मे बी वो मैं अभी भी पीछे जाऊँ तो चेंज करना चाह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि डीन होने के नाते आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मेरे ना लाइफ का एक बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है जी। मैं नेचर से और आपको शायद दिख भी रहा होगा कि बड़ी कूल इंसान हूँ और मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और एक स्पोर्ट्स पर्सन का एक फंडा होता है कि जब रेस दौड़ने निकले ना तो जी जान लगा के दौड़ना है और पूरा अपना फुल देके दौड़ना है 100%। और जैसे हाँ जैसे रस्सी खींच जाए तो हाथ उठाना है और खुशी खुशी छोड़ देना है कि हाँ हमने पूरी रेस दौड़ ली, अब रेस खत्म। तो चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, खासकर अपने रूठे साथियों को मनाने का चैलेंज। पर देखिए जिंदगी में जब आप बेहतर काम करते हैं तो आप सभी 100 लोगों को सुखी या खुश या सैटिस्फाई तो नहीं कर सकते। आपको अच्छा काम करने के लिए किसी न किसी को कहीं ना कहीं कसना होगा या कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे जो किसी को अच्छे ना लगे, तो कई लोग डिससैटिस्फाई होते हैं। पर मैं इसको चैलेंज नहीं कहूँगी, मैं इसको एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब कहूँगी, इट्स पार्ट जी। अक्सर देखने में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल की बड़ी धमकी देते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं, ऐसी क्या वजह है या उनकी ऐसी क्या डिमांड्स हैं जो अथॉरिटीज पूरी नहीं कर पाते? मेरे जूनियर डॉक्टर्स मैं कहूँ तो आपने देखा होगा कि पिछले एक साल में ऐसे कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है, और मेरे जूनियर डॉक्टर्स एक्चुअली हॉस्पिटल के बैकबोन हैं। बिल्कुल, मेरे लिए तो वो मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरे मेडिकल कॉलेज का रोम रोम है जी। उनके वर्किंग कंडीशंस डेफिनेटली शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितने होने चाहिए। कोशिश हमेशा रहती है, सरकार की भी रहती है, प्रशासन की भी रहती है, मेरी मेरे सभी साथी टीचरों की भी रहती है, पर परिस्थितियाँ कभी ऐसी हो नहीं पाती है कि बुक में जो आइडियल सिचुएशन हम पढ़ते हैं वो उनको प्रोवाइड करें। तो कुछ डिससैटिस्फैक्शंस तो रहते ही हैं, पर मेरे बच्चे तो मतलब हीरा मोती हैं, मैं उनसे कोई शिकायत नहीं। मेडिकल में मरीजों को बेड न मिलने की एक आम समस्या देखने में आती है, तो इसकी क्या वजह? हाँ कई देखिए आपके घर में जब आपके रिश्तेदार आते हैं, क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, एक बार मेरे बहुत उच्च अधिकारी से बहुत बड़ा एक लड़ाई हुआ बड़े साक्षियों के सामने, क्योंकि मैंने उनसे ये कहा कि इस अस्पताल में घुसने वाला हर मरीज मेरा रिश्तेदार है। तो जब आपके घर में आपका रिश्तेदार आता है और आप उसको अच्छे से सोने या बैठने की जगह नहीं दे पाते हैं तो दिल में एक मलाल तो रहती है। परंतु आप अगर ये सोचो कि कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास पलंग हो और हम किसी को नहीं दे रहे हैं। रीज़न सिंपल ये है कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के अलावा हम आजू बाजू के 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रीवा मेडिकल कॉलेज, शहडोल मेडिकल कॉलेज से भी रेफरल आते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं। तो हमारा जो वर्कलोड है और पेशेंट लोड है वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल हमारे पास करीब 1900 बेड्स हैं और अनदर मे बी 20-30 डेज हम और 500 बेड्स ऐड कर लेंगे, और आशा है कि मुझे अपने सभी रिश्तेदारों को पलंग और अच्छी सुविधा देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, आप मेडिकल कॉलेज की डीन है लगभग एक साल से, राइट? एक साल से ज़्यादा। तो इसके पहले और अब में आपको क्या फ़र्क समझ में आता है?
आप अगर मेरे पर्सनल लाइफ में पूछें तो मैं अपने बड़े अच्छे सपने देखा करती थी खूब. मैं बहुत ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग करती हूँ, तो जब मैं सोती हूँ और मैं जब आँख बंद कर लेती थी तो मैं आँखें बंद करती थी तो मैं हेमकुंड साहिब चढ़ती थी, तो कभी वैली ऑफ लास्ट जा रहे हैं, तो कभी केदारकंठ के शिखर पे चढ़ रहे हैं, तो कभी शिलेट टॉप चढ़ रहे हैं. मैंने ऐसे ऐसे बड़े खूबसूरत सपने हुआ करते थे. आजकल जब मैं आँखें बंद करती हूँ ना, कितनी ही कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे सपने देखूँ, रोमांटिक सपने देखूँ, बड़ा बगीचे में फूल उल है, मतलब तितली उड़ रही है लेकिन फाइल ही फाइल उड़ती रहती है. ये फर्क पड़ा है, बाकी तो जागते जिंदगी में बहुत फर्क पड़ा है ऐसा मुझे नहीं लगता है. अभी भी मैं बहुत जोक्स क्रैक करती हूँ, मस्ती मारती हूँ. नहीं, और मेडिकल उसमें देखा जाए कि मेडिकल हॉस्पिटल में या तो तब में पहले के जो वर्किंग था और अभी के वर्किंग में उसमें क्या फर्क आपको लगा? मेरे वर्किंग में अब जिम्मेदारियाँ बहुत आ गई हैं और पहले मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे उनके लिए मैं एक बड़ी स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप. मैं आप कभी भी खड़ी कर दें और मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, किसी भी किसी भी बात पे कॉमेडी कर सकती हूँ. पर आजकल वो कॉमेडी करने का टाइम बड़ा कम मिलता है, पर कभी कभी मिल भी जाता है तो उसमें भी कॉमेडी कर लेती हूँ. ज़्यादातर वक्त यही सोचने में जाता है कि एक दिन और सेवा का मिला है तो, और इस कॉलेज को, मेरे अल्मा मैटर को, जिसने मुझे सब कुछ दिया, मतलब नाम दिया, ऐश्वर्य, धन, सब कुछ मेरे को उस कॉलेज से मिला है, तो मैं कैसे कॉलेज को वापस करूं? एकेडमिक फ्रंट पर इस एक साल में क्या अचीवमेंट? हाँ, एकेडमिकली हम लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया. हम पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं, पर इस साल हमें 250 MBBS के सीट्स मिल गए और हमें करीब करीब 9 सब्जेक्ट्स में हमें इन्हांसमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स मिले और हमें सुपर स्पेशलाइजेशन के सीट्स मिल गए. MCH मिल गया है, यूरोलॉजी में मिल गया है, पीडियाट्रिक सर्जरी में मिल गया है. तो ये एकेडमिक फ्रंट में हम लोगों ने बहुत सारे अचीव किए हैं और इससे हमारे समाज को डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ग्रेजुएट डॉक्टर्स तो बढ़ेंगे ही और पोस्ट ग्रेजुएट्स और सुपर स्पेशलिस्ट भी बढ़ेंगे, तो आई एम श्योर कि पेशेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा इसका. जब से आप डीन के पद पर आई हैं तो आपका और कंट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ, हाँ, एक ही कंट्रोवर्सी रहती है भाई. आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा कि मैंने गलत काम किया या मैंने कोई अन्यायपूर्वक काम किया या मैंने किसी से पैसे मांगे या मैंने किसी तरह के वो किए. एक ही गिला शिकवा रहा कि एक जूनियर डीन बन गई और मैं इससे कतई इनकार भी नहीं करती कि मेरे से सीनियर्स थे और जूनियर को डीन बनाया गया. पर मैं ये भी मानती हूँ कि सरकार ने मुझ में कुछ खूबी देखी होगी, उसले इसके वजह से उन्होंने मुझे डीन बनाया. और मेरे डीन बनने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में आके कुछ चीज़ें देख सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पूर्ववत डीनों ने ये काम नहीं किया, पर मेरा काम करने का एक तरीका अलग है और वो एक शायद बेहतर शुरुआत है. बिल्कुल. अब एक पर्सनल से सवाल, हाँ पूछे कि गीता जी फ्री टाइम में क्या करती हैं डीन होने के अलावा? देखिए, सुबह 4:30 के बाद नींद खुल जाती है, 5 के पहले किसी हालत में बिस्तर से उठ जाते हैं और 5:30 तक हमारा वर्कआउट डे शुरू होता है जी. और दुनिया चाहे यहाँ से वहाँ हो जाए, रात में नींद हो चाहे ना हो, हमारा 1.5 से 2 घंटे का वर्कआउट टाइम रहता है. वर्कआउट टाइम वो भी टाइम रहता है जब मैं और मेरे हस्बैंड दिन भर की बातें करते हैं, चाहे मस्ती की बातें, दुख की बातें, गम की बातें, स्ट्रेस की बातें, सब उसी समय कर लेते हैं. और वो वर्कआउट मेरा बड़ा फेवरेट टाइम है जी. इसके अलावा जब टाइम मिलता है मैं गाना गाती हूँ, चाहे रविंद्र संगीत, चाहे किशोर कुमार. मैंने गाना सीखा नहीं पर मनमोहक गा लेती हूँ. आपको सुन के अच्छा लगेगा, किसी को सुन के अच्छा लगेगा, सबसे बड़ी बात मुझे सुन के अच्छा लगेगा. गाना लगा के डांस कर लेती हूँ और कविता पढ़ना. मोबाइल देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब मेरे को कभी बहुत नहीं भाया. बुक्स, इंफॉर्मेशन, रैंडम इंफॉर्मेशन, आम का अचार पढ़ने लगे तो गूगल में 10 तरीके के आम के अचार कैसे बनाए जाते देख लिया. और अच्छा खाना बनाना हमेशा मेरा शौक रहा, यानी कि फुल पैकेज.
लाइफ चेंजिंग चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में आप कुछ बताइए आपकी लाइफ में ऐसा। हाँ देखिए, एक तो मेरा लाइफ दो पॉइंट्स पे बहुत चेंज हो गया। एक जब मैंने अपना ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग स्टार्ट किया, एक वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, क्योंकि उससे मैंने ये रियलाइज़ किया कि आप ना डर डर के चलो तो आप नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल, आपको मतलब बेखौफ होके बिल्कुल दिल लगी से और दिलदारी से काम करना चाहिए, एक तो वो। और दूसरा, एक बार सर्जरी करते समय मेरे हाथ में एक स्टैब इंजरी हुई, ये आप इंसिजन देख सकते हैं। उसके बाद मेरे को दो रिपेयर सर्जरी करानी पड़ी, एक रिपेयर सर्जरी जबलपुर में हुई और फिर बाद में मुझे जाके रिविजिट सर्जरी करानी पड़ी पुणे में हैंड सर्जन से जी। तो उसके बाद करीब करीब 3 महीने मेरा प्लास्टर बंधा रहा और फिजियोथेरेपी में मेरा 1.5 साल गया। मेरे राइट हैंड की पूरी मूवमेंट चली गई थी और मेरे को लगा था मैं दोबारा नाइफ सीजर उठा नहीं पाऊंगी। पर उसके बाद उसके बाद मैंने एक तो अपने आप को ट्रेन किया बैंक का सिग्नेचर लर्न करना। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ना जब भी बैंक में जाती थी तो मैनेजर साहब बोलते थे, मैडम आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, आप थंब स्कैन करा लीजिए। और मैं उनसे हमेशा बोलती थी, मैं थंब नहीं स्कैन कराऊंगी, मैं बशर्ते आपके सिग्नेचर बना के आऊंगी। और मैं घर में हर जगह गोदती रहती थी सिग्नेचर। इट टुक मी, आई मेट विद द एक्सीडेंट इन नवंबर, इट टुक मी 1 मार्च टू नेक्स्ट मार्च टू फाइनली गेट बैक माई सिग्नेचर, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स। पर वो जब मेरा सिग्नेचर आया, वो जो एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, और उसके बाद से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे हाथ में ना लक्ष्मी विराज गए और सरस्वती विराज गए। लोग कहते हैं कि जिस पेट में इसका हाथ चला जाता वो सर्जरी हो जाती है, और मैं भी ऐसा मानती हूँ कि ऐसा है। और ये एक मेरे लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, क्योंकि मैंने अपने हाथ को खोके पाया और फिर उसके बाद मैंने इस हाथ को दो लोगों की सेवा में लगा दिया। एक और सवाल मेरे जहन में अभी अभी आया कि म्यूजिक थेरेपी कितनी कारगर। मैं बताऊँ, मैं घर आती हूँ तो जैसे 6:30 को भी मैं आ जाती हूँ घर, या 7:30 मैं, कोई टाइम नहीं मिलता तो जस्ट मैं मोबाइल में एक गाना लगा लेती हूँ, रूसी के साथ गाना गाती रहती हूँ। और कभी थोड़ा बहुत टाइम मिल गया तो कैरोके लगा लेती हूँ और कैरोके में गाना गाती हूँ। तो ये जो आपके दिमाग का स्ट्रेस, इरिटेशन, एक अनहैप्पीनेस जिसको मैं कहती हूँ, आप कुछ लोगों को देखिए, वो इतना धर्म, इतना साधु महात्माओं की बात करते हैं, पर आपको उनको देख के लगता नहीं कि उनके अंदर इतना पीस होगा जी। मुझे लगता है कि जो आदमी दिल खोल के गाना गा लेता है ना, बाथरूम में घुस के सारे गामा पादा नहीं सही कर लेता, उसके मन से भी और आंखों से भी और चेहरे से भी एक रौनक छलकती है, स्ट्रेस दूर होता है। तो मैं ना पेशेंस को भी हमेशा बोलती हूँ, कई बार मेरे पास, चूंकि मैं बहुत बात करती हूँ, मेरे को बात करने में बहुत मजा आता है, तो पेशेंट्स आते हैं, उनसे बात करती हूँ, बच्चे बड़े आते हैं मेरे से अपनी शेयर करने के लिए, बिकॉज आई एम अ वेरी नॉन जजमेंटल डॉक्टर। आई डो नॉट जज पीपल कि तुमको ऐसा करना था, ये नैतिक था, ये अनैतिक था, ये। तो मैं बच्चों को हमेशा इनक्रेज करती हूँ, बच्चे स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक डू दैट। मैं बताऊं आपको, ये कोविड के लॉकडाउन लगा उसके पहले तक भी मैं डांस सीखने जाती थी, और मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ डांस सीखती थी। तो मेरी जो डांस टीचर थी, टीचर ही बोलूं पर वो थी मेरे बच्चों की उम्र की शानू, वो मेरे से पूछती थी, मैडम आप क्या सीखेंगे? मैंने कहा जो बच्चों को सिखाएगी वो ही मुझे सिखा दे, मैं हाँ सिखा दे, बच्चों के साथ नाचेंगे मजा आएगा। और अक्सर देखने में, अभी सुनने पढ़ने में आता है कि अब्रॉड में भी जब सर्जरी होती है तो शायद उनके ओटी में भी लाइट म्यूजिक। मेरा जो मेडिकल कॉलेज का ओटी है उसमें मेरा एक पर्सनल म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, और सिस्टर के पास पेन ड्राइव रहती हैं, और इट इज़ अ ब्लैंकेट रूल कि मैं जब जैसे ही ओटी में घुसूंगी तो म्यूजिक लग जाना चाहिए और पूरे समय गाना चलता रहता है। और हमारे बच्चों का क्या रहता है कि वो जब थीसी साइन कराने आते हैं तो वो आपको जिस पेन से थीसी साइन कराते हैं वो पेन दे के जाते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ मुझे ना पेन नहीं चाहिए, आई नीड अ पेन ड्राइव विथ योर फेवरेट सॉन्ग्स। तो बच्चों के दिए फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं और वो मैं ओटी में सुनती हूँ। बिल्कुल, तो आपने बताया कि आप सिंगर हैं, तो क्यों ना दो लाइन गाएं। सिंगर सिंगिंग, हाँ ठीक है, मैं रविंद्र संगीत के दो लाइन सुनाती हूँ।
ये रविंद्रनाथ ठाकुर के जो लव वाले सेगमेंट का एक वो है, उसमें से चार लाइनें हैं। कल मैं अपने बड़े जिगरी दोस्त के लिए ये गाना गा रही थी, तो मैंने बोला, आपने बोला तो अभी मुझे याद आ गया। चम चलो हो खुरी पड़ाई सदा मने हाय जुदी देखा पाई, चम चलो हो खुरी पड़ाई सदा मने हाय जुदी देखा पाई, कि आशी छे बोले चमकिए चाय कैमनी बाधिब की दिब सुरजनी आमी जेनु कार आशाए आशाए थाकी। मतलब मैं दिन रात किसके आशा में रहती हूँ और मेरी आंखें घूमती रहती हैं कि मेरे चाहने वाले या जिनको मैं चाहती हूँ वो आएंगे। मैं हमेशा ऐसे सोचते रहती हूँ, बच्चे आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे। जी, तो वही बंगाली में था तो बहुत कुछ तो समझ आया नहीं, पर जो भी था बहुत सुमधुर था, खूब भलो। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये होगा कि आप हमारे दर्शकों को क्या हेल्थ एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है और जहाँ तक जबलपुर में बहुत सारे महिलाओं की भी बात है जी। तो मैं एक फिटनेस आइकन के तरीके से देखी जाती हूँ और सन 1921 में भी मैंने नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे मेडल्स जीते। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगी कि आप लोग रोज़ सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, पर आपको भगवान ने गिफ्ट में, भेंट में जो शरीर दिया है उसकी आप क्या सेवा करते हैं, उसकी आप कितनी पूजा करते हैं, इस पर एक बार मंथन जरूर करिएगा। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं अपने शरीर का ध्यान देने लगेंगे, आप अच्छा खाने लगेंगे, आप अच्छा सोचने लगेंगे, आप खुश रहने लगेंगे, आप शायद मेरे जैसे फूल लगाने लगेंगे। मैं पिछले 15 साल से रोज फूल लगा रही हूँ और आपको ऐसे लगेगा कि ये जो शरीर है, ये जो हृदय है, ये जो मन है, ये मन मंदिर है, इससे बड़ा मंदिर कोई नहीं, और इसकी जितनी सेवा कर ले ईश्वर से, इससे बड़ी पूजा और कोई नहीं। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी खुलकर और दिल खोलकर हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। सुमधुर गाना सुनाने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर गीता गुइन जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से, बहुत ही मीठे मन से हमसे खुलकर बात की है। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे, तो देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।